वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज है डे टू इन माई भोपाल. और आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है करिश्मा, उसकी बेटी से मिलने के लिए. उसके बाद मेरा एक सेकेंड इवेंट है, मतलब मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है जबस्वी, उसका फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वुडन की. और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, मतलब होम डेकोर की उसके पास बहुत परफेक्ट कलेक्शन रहता है. तो उसने उसकी एग्जीबिशन लगाई है, तो मुझे वहाँ जाना है. मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ अपनी फ्रेंड के घर में, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. चलते हैं, बाय. हाँ, ये भी YouTube पे आएगा. डांसिंग करो ना, पहले डांसिंग करती है ना. डांसिंग. म्यूजिक चलाओगे तो कुछ करेगी. काम करना. अभी जस्ट हम लोग मेरी जो फ्रेंड है उससे मिलकर के आए हैं. उसकी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बट वो क्योंकि सोने वाली थी, उसका सोने का टाइम हो गया था, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ करने लग गई थी. इसके लिए मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बना पाई उसका. और फिर अभी हम लोग निकल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ एग्जीबिशन में, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली वहाँ पहुँचने के बाद. ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं अमित शुक्ला क्लासेस, यहाँ मैं आती थी 11th एंड 12th में. एक्चुअली ऊपर वाला उन्होंने सेल कर दिया है ये पूरी बिल्डिंग के 3 फ्लोर पे. पहले IIT और AIEEE की क्लासेस चलती थी. देखो फनिक्स, ये देखिए फनिक्सो फैक्ट्री के मालिक हमारी बीवी से मिल रहे हैं ऐसे. पहले मैं ग्राउंड लाके आते तब तक तू खा फ्री हो जा.
आकृता दुबे एंड माई लेबल इज कलाकृता. It comprises of Kala and Akrita, which together means artisans. And I have made all of these paintings and murals. Made with decovation techniques. ये tea coasters हैं, ये सारी washable, durable चीज़ें हैं जितनी भी हैं. सब वॉशेबल हैं, ड्यूरेबल हैं और डेकोपेज टेक्निक से सब हैंडमेड बना हुआ है. दिस पेंटिंग ऑन YouTube. यू हैव YouTube चैनल? यस. व्हाट्स द नेम? कलाकृता. एवरीवेयर यू कैन सर्च कलाकृता. ओके, जो फर्स्ट मटेरियल है वो ये है एग ट्रे. जैसा कि आप सबको पता है कि अभी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर वुडन का काफ़ी सारा मटेरियल है और बहुत क्लासी और बहुत क्यूट लग रहा है मुझे. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस वन? $350. $350 एंड दिस इज़ अ डिस्काउंटेड वन और द नेट प्राइस? नेट प्राइस. ये नेट प्राइस है. यू कैन यूज़ इट फॉर इयररिंग्स, रिंग्स. ओके, दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ ट्रे इन शॉर्ट. कूल. Now this one is I guess holder. You can use it for pen, pencil holder, spoon holder, knife holder, tissue paper, brush. Okay. Smiley platter. Price of this one? $700. Okay. ये क्या है? इसका purpose? ये ड्राई फ्रूट प्लैटर है, सर्विंग ट्रे है. ये बढ़िया. बहुत अच्छा लग रहा है. ये भी मुझे बहुत अच्छी लग, विंटेज. हाँ. ट्रे और इसका वेट भी काफी अच्छा है. ये क्या वुड से बना है? दिस इज अकाशिया. प्राइस ऑफ वुड $650. दिस इज अ केक होल्डर, कपकेक होल्डर, लैंप होल्डर. यू कैन पुट कैंडल्स, यू कैन पुट दियास. कूल. हाँ, दियास डेकोरेशन के लिए. वुडन कोस्टर्स. Wow. For kids, for desk organizer, pencil, pins, rubber. Cool. For wall art, hand painted. Tray. This is a glass tray. For serving glass, biscuits, cookies. Jewelry organizer for brushes, lipsticks. I got three things. One is this. This is a chopper. आप इसमें कुछ भी कटिंग कर सकते हैं. द वुड इज़ रियली रियली गुड, इसलिए मुझे ये पसंद आया है. सेकेंड, मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो इसका मैं क्या करने वाली हूँ, जब मैं मुंबई पहुँचूँगी तब इसको डेकोरेट करके आपको बताऊँगी. इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी अफोर्डेबल है ये. और थर्ड चीज़ ये है, ये चॉपिंग बोर्ड है. जैसा कि आपको पता होगा, मैंने जो बैम्बू का चॉपिंग बोर्ड परचेस किया था वो पूरा मेरा ख़राब हो गया था. उसकी जो वुड है वो ऑलमोस्ट यू नो फूल गई थी, तो मैंने ये परचेस किया है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं उसके इंस्टाग्राम पेज पर जा करके. तो उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर यू फॉलोइंग मी, बिकॉज उसका जो पेज का लिंक है वो मैं बहुत बार टैग करती रहती हूँ. सो ये सारी चीज़ें मैंने परचेस करी हैं और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में. चिल्ड्रन बाय. राइट नाउ वी आर इन बैरागढ़. एग्जीबिशन से फ्री होने के बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ और विकी के साथ हम लोग बैरागढ़ आए हैं कर्टन्स देखने के लिए. एज आई सेड कि उनके घर का भी मेकओवर मुझे करना था, मतलब चीज़ें चेंज करनी थी. बट ये कर्टन की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था. ये सारे कर्टन्स वही सब पुराने थे जो डिज़ाइंस मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ. मतलब हम लोगों को कुछ भी नया नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान ड्रॉप करा, कुछ लिया नहीं यहाँ से कर्टन्स वगैरह, बिकॉज अभी फेस्टिव सीज़न था. तो आई थॉट कि शायद जो पुराना इनके पास स्टॉक इन ने वो भी निकाल दिया है, जो स्टॉक ही नहीं मिल रहा है और सब कुछ बहुत मैस आउट था, तो हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया. तो हम लोगों ने वहाँ से नहीं परचेस किया है. ऑफ सीज़न जा करके देखते हैं कर्टन्स परचेस करेंगे, बिकॉज ये तो कोई भी मुझे नई डिज़ाइंस नहीं लग रही थी इवन. और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे और वो लोग नेगोशिएट करने को रेडी नहीं थे, तो दैट्स वाई हम लोगों ने प्लान जो है वो ड्रॉप किया.
तो ये वाला जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही जल्दी मैं अपने मदर इन लॉ का जो घर है वहाँ का, और मेरी मम्मी का जो घर है वहाँ का होम टूर दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय।